लीजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इस साल का 53वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान जी को सिनेमा जगत में उनके शानदार योगदान के लिए दिया जाएगा। उन्हें ये अवार्ड देने का ऐलान करते हुए मुझे बहुत खुशी और सम्मान का एहसास हो रहा है। वहीदा जी ने हिंदी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। इनमें प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहेब बीबी और गुलाम खामोशी जैसी फिल्में शामिल हैं। 5 दशक के करियर में उन्होंने अपने किरदारों को परफेक्शन के साथ निभाया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा के लिए नेशनल अवार्ड मिला। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा जी ने भारतीय नारी के संपन्न कमिटमेंट और ताकत का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो कड़ी मेहनत की बदौलत और अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस को अचीव कर सकती है। आपको बता दें कि 54 साल के इतिहास में अब तक यह अवार्ड सिर्फ 7 ही महिलाओं को दिया गया है। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को दिया गया था। इसके बाद सुलोचना, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर और आशा भोसले को इस अवार्ड से नवाजा गया। 2020 में यह अवार्ड वेटरन एक्ट्रेस आशा परेख को दिया गया था।